बार फिर तो थोड़े सारे का जी मैं वेलकम करता अपने यूट्यूब चैनल दे विच ते साडे रेस्टोरेंट दे विच। देख रहे हो किन्ना है कलरफुल जिहा माहौल असीं बना रखा है, बहुत ही क्यूट रेस्टोरेंट है जी मेरा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिहड़े भी पंचकूला चंडीगढ़ मोहाली आस पास रहिंदे आ ट्राई सिटी दे विच कदे टाइम होवे जरूर टाइम कढ़ के आओ जी। सैक्टर 6 पंचकूला दे विच रेस्टोरेंट है नमन पिज़ेरिया एंड बिस्त्रो। बहुत अच्छी क्वालिटी दे पिज़्ज़ा असीं बनाउंदे आ, उहदे नाल नाल साडे कोल बहुत अच्छी क्वालिटी दे स्नैक्स हुंदे ने। कुछ डिशेस इहो जिहियां ने जिन्हां दा मैं तुहानू नाम दसना चाहना। एक डिश है जी साडा गड्डी वाला कुक्कड़, है ना जी इंटरेस्टिंग जिहा नाम। ये गड्डी वाला कुक्कड़ जिहड़ा है ना जी मेरी पहली रेसिपी सी जदों मैं रेस्टोरेंट शुरू कीता सी 2015 दे विच। ते ओह रेसिपी जिहड़ी है बहुत मैनू कमाल दा रिस्पोंस दित्ता इस रेसिपी ने। लोकां लई ना एक वाओ फैक्टर हो जांदा सी कि गड्डी वाला कुक्कड़, उहनां नूं ये नाम बड़ा पसंद आंदा सीगा। एक तरह का रोस्टेड चिकन है जिन्हों मैं एक ग्रेवी दे विच टॉस करके बहुत ही लिपटिपटी जी मसाले वाली ग्रेवी बना के दिना, बहुत वधिया लगदी जी। साडा गड्डी वाला कुक्कड़ ना वेट कर रहा थोड़ा कि तुसीं आओगे ते उहदे विच बहुत वधिया तुहानूं असीं सैंपलिंग कराईए। ते जिहड़ा गड्डी वाला कुक्कड़ है ना जी इहदा मेन इंग्रीडियंट किहड़ा है उहदे बारे आपां गल करन लगे आं। चिकन तां देखो हैगा ही है, चिकन के साथ साथ मैं इसमें डालता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का अदरक। अदरक के लच्छे डालते हैं, अदरक चॉप करके जाता है इसमें, और जो अदरक है ना ओवरऑल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जी। अदरक के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, और आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट अदरक है जी। आज हम बात करेंगे जिंजर के जूले कैसे निकालने, जिंजर को पील कैसे करना है, उसके जूले कैसे निकाले जाते हैं। ये मेथड आप देख लो बड़ा सिंपल सा है पर बड़ा ही इफेक्टिव है। नोट करो जी जिंजर जूले कैसे निकालने। ते हुण जी असीं फिर तो आ गए जी अपने मेन किचन दे विच, ते हुण आपां डिस्कस करन लगे आ जी जिहड़ी इह अदरक है इहदे लच्छे किवें बनाउणे आ, इहदे जूलेंस किवें बनाउणे आ। बहुत ही प्यारा इंग्रीडियंट हुंदा जी, लाजवाब इंग्रीडियंट है, एक तरह दी ना आयुर्वेदिक औषधि है जी। इहदी हैल्थ बेनीफिट्स बहुत ज्यादा हुंदे आ। ते सब तो पहला असीं अदरक नूं पील करना है, ते पील करन लई मैं स्क्रेपिंग मैथड यूज कर रहा। आ देखो जी इहनूं ना मैं स्क्रेप कर रहा अदरक नूं ताकि उत्तों हल्का हल्का छिलका जिहड़ा है उह निकले, ते जिहड़ा अदरक है इह विचकारला पार्ट है इह वेस्ट ना होवे। हल्का जिहा इसनूं स्क्रेप करके सारी अदरक आपां पील करनी है, इसनूं वॉश कर लवांगे। मैं पीलिंग ते वॉशिंग करन तो बाद तुहानूं दसदा कि जूलेन किवें करने आ जी। तो ये देखो जी अदरक हमने अच्छे से पील कर ली, तो जितने इसके एजेस है ना जहां पे भी ये इंट्रूडेड है मतलब इसके जो भी ये एजेस अनइवन है सबसे पहले तो इनको हमने पील ऑफ करना है। और इसको आप पीसने के लिए यूज कर सकते हो, जब भी अदरक की पेस्ट बनानी है तो ऐसे जितने भी एजेस हैं उनको आप इकट्ठे कर लो, चाय में डाल सकते हो कहीं भी डाल सकते हो, तो ये आपका साइड में रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जूलन के लिए, अदरक की पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है हमने, और स्ट्रिप्स की थिकनेस होनी चाहिए 1 से 2 mm, सिर्फ इतनी पतली होनी चाहिए ये। ये देखो बन रहा ना जी पतला पतला, ऐसे हमने सारी अदरक की स्ट्रिप्स निकालनी है। जब ये ग्रिप पानी बंद हो जाए तो उसको दूसरे साइड से स्ट्रिप्स निकाल लो। और अब हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स को हमने 2-3 दिन के पेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है, जितने आप हैंडल कर सकते हो एक बारी में। मैं जितने भी ये मेथड्स बता रहा हूँ सारे घर के हिसाब से बता रहा हूँ कि घर में आपको दिक्कत ना आए। अब ये जी अपने एक बंच उठाना है, हमने ग्रिप करना है और बिल्कुल सेम 1 से 1.5 mm के पतले पतले स्ट्रिप्स दोबारा निकालेंगे। और ये होते हैं जी जूलियन, ये जो लच्छे बने ना जी अदरक के बड़े सुंदर से, देखो आ देखो कितना वधिया मैच स्टिक, इहनूं कहिंदे माचिस दी तिल्ली। इहदा दूजा नाम हुंदा है एलुमेच, एलुमेच दा मतलब ही हुंदा कि मैच स्टिक स्टाइल ऑफ कट। ते आ देखो जूलियन किन्ने सोहणे होए आ जी, ते जूलियन नूं तुसीं वख-वख चीज़ां दे विच यूज़ कर सकदे हो। ते आपां इहनां नूं कट लैंदे आ जी, ते हुण तुहानूं मिलदा मैं अगले वीडियो दे विच। तो देखा जी आपने कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टिंग मेथड था जिंजर जूलियन निकालने का। इसके साथ मैं आपको एक बड़ा बोनस वाली बात होता है, एक टिप बताता हूँ। ये जो जिंजर जूलियन है ना इसमें ऐड करो थोड़ा सा लेमन जूस, आप देखोगे कि पिकल्ड जिंजर जूलियन बन जाएंगे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, अपनी मील्स के साथ खा सकते हो। सिट्रिक एसिड भी ऐड हो गया, जिंजर के सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आ गए, और एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट जो है तैयार हो जाता है। जिंजर जूलियन जो होते हैं ना जी गार्निशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ रेसिपीज जैसे बिरयानीज हैं कोरमाज हैं इसमें जिंजर जूलियन ऐसे ही डाल दिया जाता है, तो वो मुंह में आता है ना हल्का हल्का जिंजर की बाइट, बहुत टेस्ट लगती है जी। इस तरह से आप जूलियन निकालो और जरूर इसको अपनी कुकिंग में यूज करो, अपनी सैलड में डाल सकते हो जी, और वो पिकल्ड मैंने बताया ना जिंजर पिकल्ड वो बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। और इसके साथ साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे ये कलरफुल से ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो जरूर तुसी सब्सक्राइब करो जी इस चैनल नूं, ते साडियां सारियां वीडियोस जिहड़ियां हैं रिपीट मोड ते, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, रिपीट मोड ते देखो। मैं तो यही कहूंगा जे कुकिंग का थोनू शौक है ना ये थोनू बड़ा हेल्प करेगा जी,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ